क्रिकेटर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पर जिहड़े टैक्स देंदे रहे ने उन्हां दा तुसीं रुजगार खोवो, इह कैप्टन सरकार जी इह गल चंगी नहीं। मैं अपने तौर पर अपनी पार्टी वालों सरकारी साहब के कन्नां तक भी यह गल एक अद्धे दिन च पहुँचावांगा कि पहले सानू कहे खूह च सुट लो फिर परमिट दे रहे हो। अमृतसर के लोपो के चोगावा गांव में मिनी बस ऑपरेटर के द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मिनी बस ऑपरेटर की मांग है कि जब से देश में लॉकडाउन हुआ है तब से इनकी बसें मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके चलते बसों पर लगाया टैक्स सरकार के द्वारा माफ किया जाए और इंश्योरेंस को आगे वैलिड किया जाए, साथ ही बसों की जो लोन EMI में भी छूट दी जाए। सरकार को मिनी बस ऑपरेटर की मजबूरी को समझना चाहिए व उनकी मांगे मानी जाए। मेरा नाम शेर सिंह है। ये साडे सारे मिनी बसा वाले जिन्हें ओपरेटर आ वर्कर आ जिन्हें मजदूर वीर आ सारे इकट्ठे हुए हैं, तो अभी पंजाब सरकार तो अपील करते हैं कि जिहड़ियां साडे बसा लॉकडाउन दे विच बंद कीतियां ने इन्हां दे जिहड़े बंदा टैक्स जिहड़ा लॉकडाउन दे विच एक ते माफ़ किया जाए साडे को ना लिया जाए साडे को वसूलिया ना जाए, दूजा ये आ कि साडियां जिहड़ियां बसा जिन्ना चिर नहीं चलदियां उन्ने चिर जिहड़े इन्हां दीआं किस्तां ने इन्हां दी पासिंग डेटा ने इन्हां दी साडी इंश्योरेंस डेटा ने वह वैलिड समझियां जाण। दूजी सरकार को ये अपील करते हैं कि सरकार ने एक नवी स्कीम बनाई है बेरोजगारों रुजगार देने की, घर घर नौकरी देने की। असी सरकार तो ये अपील करते हैं कि साढ़े को रुजगार खो गए जोड़े बाकी बेरोजगार ने जोड़े छे इन्हें 7,000 बसा का परमिट देने इन्होंने मतलब कि अपील बना स्कीम बनाई है कि 7,000 बसा परमिट देना बेरोजगारों, साढ़ा रुजगार खो गए कि बेरोजगार होर मतलब कि रुजगार देने जे बाकी जे पुराने रुजगार कर रहे हैं मिनी बसा के ऑपरेटर या वड्डी बसा के ऑपरेटर ये बेरोजगार हो जाएंगे। अहीं इन्हां नूं सरकार तो अपील करते हैं कि जिन्ना चिर लॉकडाउन चलन रहा है जिन्ना चिर साडियां बसा नहीं चलदियां जिन्ना चिर साडी सुनवाई नहीं हुंदी उन्ना चिर कोई भी नवें परमिट देने की कोई तवीज़ ना तैयार की जाए ना कोई इन्हां नूं नवें परमिट देने की कोई स्कीम बनाई जाए। इत्थों तक कि जिन्ना चिर साडी सुनवाई करन तो बाद विच साढ़े परमिट रीन्यू करन तो बाद विच जे किसी नूं किते परमिट लोड़ीदा आ किते मतलब कि किसी पब्लिक की डिमांड के मुताबिक जे किते परमिट की बनता आ उत्थे परमिट दिता जाए ना कि हरेक रूटां उत्ते खुली स्कीम नाल परमिट दिते जाण। जे काम करदी है सरकार तो बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी वध जाएगी, मतलब कि जिन्ने भी रुजगार आ पुराने मतलब कि चलन रहे ऑपरेटर आ सारे बेरोजगार हो जाए। मिनी बस ऑपरेटर यूनियन के सारे मैंबर इकट्ठे हुए हैं, समूह ड्राइवर ते कंडक्टर। साडी सरकार कोलों मंग इह आ वी जो साहब शेर सिंह हुणां ने कहा उहदे मुताबक साडी सुनवाई करो। सरकार जदों 17 च बनी सी सरकार ने वादा कीता सी बेरोजगारी नूं दूर करन दा, इह नहीं सी वादा कीता वी कम्मां वालिआं नूं बेरोजगार कर दिओ ते जिहड़े घर बैठे ने उहनां नूं रुजगार साडा खो गिआ उहनां नूं दे दिओ, उन्होंने ही रुजगार दियो। तुहाडे कोल होर बड़े वसीले ने, साडियां बसां दे परमिट रद्द करके ते तुसीं दूजिआं नूं दिओ ते फिर असीं सड़कां दे आवांगे। असीं मरांगे भी भुखे मरन नालों फिर सड़कां दे गड्डी थले सिर दे के मरांगे। सो साडी सुनवाई कीती जावे, बिन्नियां बसां दे परमिट साडे ही बहाल कीते जाण, नवें किसे नूं ना दित्ते जाण। जिथे लोड़ समझदे जे भी उत्थे लोड़ हैगी आ दिओ, नहीं तो होर तुहाडे कोल बड़े वसीले ने बेरोजगारी दूर करन दे। ये कोई तुक नहीं बनती कैप्टन साहब कि रुजगार वालिआं नूं बेरोजगार कर दिओ ते बेरोजगारां नूं साडा रुजगार खो के दे दिओ, उहनां नूं भी दिओ, उहनां दा हक है, सरकार आ तुहाडा फर्ज़ बनदा। पर ये नहीं फर्ज़ बनदा कि तुसीं सानूं मार के दूजिआं नूं जवाओ। बेशक मैं भी पार्टी अपनी कांग्रेस पार्टी नाल संबंध रखदा, पर जिथों तक यूनियन का सवाल है जिथों तक मेरे कारोबार का सवाल आ मैं अपनी यूनियन के नाल खड़ा जिथे भी मेरी लोड़ है। मैं पुरजोर अपील करता कैप्टन साहब को सरकार को कि साढ़े बारे पहले सोचो, असी किन्ने किन्ने सालों तो टैक्स दे रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं तो अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर रहे हैं। जिन्ना चिर तक साड़ियां गड्डियां बंद रही ने साडा टैक्स माफ़ किया जाए, बिना जुर्माने तो साड़ियाँ गड्डिया की पासिंग की जाए, जो पुराना किसी का टैक्स टुटा तो बेशक लो तुम जिन्होंने काम किया जिन्होंने कमाई की उन्होंने टैक्स देना फर्ज बनता उन्होंने को टैक्स लो। पर जोड़े टैक्स देंदे रहे ने उन्हों का तुम रुजगार खोवो, ये कैप्टन सरकार जी ये गल चंकी नहीं। मैं अपने तौर पर अपनी पार्टी वालों सरकारी साहब के कन्ना तक भी गल एक अद्धे दिन पहुँचावगा कि पहले सानू कहे खूह च सुट लो
फिर परमिट दे रहे हो जी। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी, पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सुने पंजाब अते देश नाल, हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी। हुण तुहाडी 10वीं अते 12वीं तो बाद नौकरी दी चिंता खत्म। ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड नाल सम्मानित पटियाला दी स्वरोजगार प्रदान करवाउण वाली पहली अते सब तो पुरानी संस्था गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी ISO प्रमाणित पंजाब दा नंबर एक इंस्टीट्यूट। संपर्क करो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेन रोड फैक्ट्री एरिया नियर शिव मंदिर पटियाला पंजाब।